दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मंत्रा डिवाइस को रिचार्ज कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह का मंत्रा डिवाइस है यानी कि मंत्रा फिंगर डिवाइस है और रिचार्ज रिन्यू फेल हो गया है तो इसको दोबारा कैसे आप रिन्यूअल यानी रिचार्ज रिन्यू कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मंत्रा डिवाइस को मोबाइल से या लैपटॉप फ़ोन से कैसे रिचार्ज करें और कम से कम रुपए में भी आप रिचार्ज कर सकते हैं। मंत्रा में ये चीज़ खास बात है कि आप 100 रुपये से भी रिचार्ज करके भी एक साल यूज कर सकते हैं, 100 रुपया का रिचार्ज में एक साल यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है। और दोस्तों आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन से जुड़ा आपके पास और भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपके कमेंट अनुसार एक सही वीडियो बना कर दूँ आपको। दोस्तों चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो चलिए हम बता रहे हैं, शुरू कर रहे हैं कि मंत्रा डिवाइस को रिचार्ज रिन्यू कैसे करते हैं। आपके पास जो मंत्रा फिंगर मशीन है इसको रिचार्ज रिन्यू करने के लिए सबसे पहले आपको लैपटॉप या मोबाइल से क्रोम पे लिखना है service.mantra। जैसे ही सर्च करेंगे तो दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा, लेकिन यहाँ ध्यान देना है रेडियम बॉक्स वाला ऑप्शन आएगा तो इससे मत कीजिएगा, आपको थोड़ा नीचे आइएगा। अगर लैपटॉप से क्लिक करेंगे तो एक ही बार में आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट, अगर मोबाइल से करते हैं तो ऊपर में ये सब आ रहा है तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है यानी नीचे की ओर आना है और यहाँ ये देखेंगे service.mantra का ये जो ऑफिशियल वाला है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ इस वाले को टिक देख लीजिएगा, यहाँ जो है ना यहाँ आपको देख के इस वाले पे ही क्लिक करना है, नहीं तो इसका लिंक जो है मैं आपको कॉपी करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, यानी वीडियो के नीचे लिंक दे देता हूँ, वहाँ से भी आप डायरेक्ट क्लिक करके आ सकते हैं। तो चलिए हम इस पे क्लिक कर देते हैं service.mantra पे, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यही इंटरफेस आपके पास आएगा तभी आप रिचार्ज कीजिएगा। दोस्तों आपको बता देता हूँ कि अगर यह वीडियो साफ साफ आपको नहीं दिख रहा है तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो आपको साफ साफ दिखने लगेगा। तो चलिए जैसे ही आप इस तरह के इंटरफेस पे आएंगे तो आपको रिचार्ज रिन्यू करने के लिए नीचे आना होगा, ऐसे नीचे की ओर आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे एक आपको ऑप्शंस मिलेगा मेक पेमेंट, ठीक है, इस तरह के आपको इंटरफेस मिलेगा और मेक पेमेंट का ऑप्शंस आएगा और यहाँ आपको रीड मोड पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे मेक पेमेंट वाले पर तो इस तरह का इंटरफेस आ जाता है फिर से दोबारा, तो यहाँ आपको टिक लगाने का ऑप्शन मिलता है RD सर्विस और RMA, ठीक है। तो यहाँ RD सर्विस वाले पे आपको टिक कर देना है, जैसे RD सर्विस वाले पे टिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपको करना क्या है कि यहाँ आपको पूछा जा रहा कुछ डिटेल्स वगैरह, जैसे कि हम आपको बता देते हैं कि कंपनी नाम, तो आपको दुकान का जो भी नाम है वो डाल दीजिए, अगर नाम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ MK डिजिटल, तो आप ही अपने दुकान को नाम लिख सकते हैं जो भी नाम है वो, ठीक है। और यहाँ आपको मोबाइल नंबर जो भी है वो डाल देना है, ठीक है, जीमेल आईडी डाल देना है, ठीक है, और यहाँ GST में कुछ नहीं डालना है और यहाँ एप्लीकेशन नाम ये डाल दीजिएगा और सीरियल नंबर है, तो पहले ये सब हम आपको यहाँ बता देते क्या क्या डालना है। कॉन्टैक्ट पर्सन तो यहाँ अपना कोई भी नाम डाल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आपको नाम वगैरह जो भी कुछ डालने का ऑप्शन आता है वो डाल दीजिए। अब यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है सीरियल नंबर डालने का, तो यहाँ जो ऐड वाला ऑप्शन है इस ऐड पे क्लिक कर देना है। यहाँ दो तरह का आप रिचार्ज रिन्यू कर सकते हैं, एक है 100 रुपये का और दूसरा है 250 में, जिसमें आपको वारंटी भी मिलता है, लेकिन हमें कोई ज़रूरी नहीं, वारंटी नहीं चाहिए हमें, सिर्फ रिचार्ज से मतलब है। तो यहाँ 100 वाले पे आप क्लिक करके रिचार्ज कर लीजिएगा, यार वारंटी चाहिए तो 200 वाले। तो हम सीरियल नंबर ऐड कैसे करेंगे, तो यहाँ ऐड पर क्लिक कीजिएगा, तो इस तरह का आपको इंटरफेस आ रहा है और बताया जा रहा है कि आपके फिंगर डिवाइस मशीन जो है उसके पीछे इस प्रकार से सीरियल नंबर होगा, वो यहाँ डाल के यहाँ ऐड पे क्लिक कर देना होगा। सीरियल नंबर यहाँ डालेंगे और यहाँ ऐड पे क्लिक कर देंगे, जब ऐड हो जाएगा तो क्लोज कर देना है। तो जैसे कि मैं डाल के बता देता हूँ, जैसे कि आप देखेंगे मैंने सीरियल नंबर डाल दिया हूँ और यहाँ ग्रीन टिक लग गया है और यहाँ ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे ऐड पर क्लिक किए और यहाँ से हट गया, अब करना क्या है यहाँ क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लोज पे क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ देखेंगे जो सीरियल नंबर आपने ऐड किया वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आपको 100 रुपये वाले पे हम टिक कर देते हैं, तो यहाँ देखेंगे 100 रुपया चार्ज प्लस यहाँ 18% जो है GST, ठीक है, 18% GST यानी टोटल 118 रुपया चार्ज लगेगा। फिर से नीचे आपको जो भी स्टेट है और कंट्री है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, मान लीजिए कि हम बिहार से तो बिहार, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए एड्रेस वगैरह, तो चलिए हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। अपना स्टेट डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद एड्रेस डाल दीजिए
और पे फोर्थ यानी जो चीज़ें डालते हैं फ़ोन पे गूगल पे वो डाल दीजिएगा, ठीक है, जो भी चीज़ों से आप पेमेंट करना चाहते हो। रिमार्क में आप कुछ भी लिख दीजिएगा, जैसे कि आरडी सर्विस भी लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है, आरडी सर्विस, ठीक है, कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। और आपका जो पिन कोड है वो डाल दीजिएगा और पे नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए डिटेल मैंने फिलअप करके पे नाउ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक्सेप्ट और डिक्लाइन का ऑप्शन आएगा। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ एक्सेप्ट वाले पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही एक्सेप्ट वाले पे क्लिक करेंगे इस तरह से पेज रिलोड होगा और इस तरह से आपको ऑप्शंस आ जाएगा आप किस चीज़ से पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, यूपीआई, जो भी चीज़ों से आप करना चाहते हो वो चीज़ का ऑप्शंस आ जाएगा। तो चलिए हमने यहाँ क्या कर दिया, आप क्यूआर कोड से पेमेंट करना चाहते हैं उससे भी पेमेंट कर सकते हो, यहाँ उसका भी आपको डिटेल्स मिल जाएगा पेमेंट करने का। आप अपने अनुसार पेटीएम, फ़ोनपे या गूगल पे या यूपीआई कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे और उसके माध्यम से पेमेंट कर लीजिए। अगर फ़ोनपे से पेमेंट करना चाहते हैं तो फ़ोनपे पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से पेमेंट आप कर सकते हैं। पेमेंट जैसे ही करेंगे इस तरह के पेड सक्सेसफुल का एक मैसेज आएगा, उसके बाद यहाँ अभी आपका सक्सेसफुल दिखेगा और यहाँ से आपको रिसिप्ट डाउनलोड करने का ऑप्शंस मिल जाता है, ठीक है। और आप जो जीमेल आईडी दी है उस पर भी इसका इनवॉइस स्लिप चला जाता है, यहाँ से आप स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं और अब से आपका डी फिंगर डिवाइस जो है वो काम करना शुरू कर जाएगा।